की एक बड़ी अपडेट भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में स्कूल से अपनी बहन के साथ लौट रहे 10वीं क्लास के छात्र की मौत के बाद हंगामा हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि छात्र ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर छेड़छाड़ के बाद मारपीट और मारपीट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित भी इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अमित, पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये प्रयागराज जिले के यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र का है। और बताया जा रहा है कि 10वीं की छात्रा जब अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी कल स्कूल का खत्म होने के बाद, स्कूल के पीरियड्स खत्म होने के बाद, तो उस दौरान कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। जब भाई ने उसका विरोध किया, चचेरे भाई ने, तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में काफी ज्यादा गुस्सा था, आक्रोश था। इलाके के लोगों ने खीरी थाना क्षेत्र के जो प्रमुख है उसको जाम लगा दिया। मौके पर बीती रात ही पुलिस कमिश्नर और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और जिसके बाद पूरे मामले को फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन आज मृतक की पोस्टमार्टम होना है और फिर अंतिम संस्कार होना है, तो जाहिर तौर पे इसको लेकर काफी ज्यादा पुलिस अलर्ट पर है। हेवी डिप्लॉयमेंट जो है प्रयागराज के खीरी क्षेत्र में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित।